हे गाइस, अगर आप KTM 390 एडवेंचर का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि KTM 390 एडवेंचर प्रोडक्शन रेडी जो मॉडल है वो स्पॉट किया गया है फ्यू डेज़ बैक। चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो KTM 390 एडवेंचर है वो जो इंस्पिरेशन लेता है 790 एडवेंचर से। इंजन जो होगा 390 ड्यूक का होगा, लेकिन ये जो इंजन होगा वो उसमें टॉर्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ताकि जो राइडर और पिलन का जो वेट है उसको पुल करने में आसानी हो। अपग्रेडेड एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इमेज में। ये जो एग्जॉस्ट होगा वो यूरो 5 और BS6 को फॉलो करेगा। 390 एडवेंचर का जो फ्रेम है वो एग्जैक्टली सेम फ्रेम होगा जो RC390 में यूज़ किया गया है। इमेज में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो व्हील्स हैं वो आगे का 19 इंच का व्हील है और पीछे जो है वो 17 इंच व्हील है। बेसिकली ये जो मॉडल है ये रोड बेस्ड टूरर मॉडल है। इससे पहले स्पोक वर्जन व्हील्स भी देखा गया था प्रीवियस प्रोटोटाइप में। जो व्हील्स था उसके अंदर वो 21 इंच का फ्रंट व्हील था और 17 इंच का रियर व्हील था। तो KTM मोस्ट प्रॉब्ली ये सोच रहा है कि एक ऑफ रोड वर्जन प्रोड्यूस किया जाए और एक टूरर बेस्ड वर्जन प्रोड्यूस किया जाए। एडवेंचर 390 जो प्रोड्यूस होने वाली है वो होगी बजाज की चाकन फैसिलिटी में। और एडवेंचर 390 में आपको और टूरिंग एक्सेसरीज मिल सकते हैं जैसे कि लगेज रैक, सैडल स्टेस और टॉलर विंडस्क्रीन। तो ये था 390 एडवेंचर के बारे में। मोस्ट प्रॉब्ली बाय दिसंबर या फिर स्टार्टिंग 2020 390 एडवेंचर लॉन्च हो जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिया, बाय बाय।